24 तारीख को प्रगति मैदान जो टनल है उसमें जो वारदात हुई थी, जिसका आपको पता है एक ओला कैब थी जिसके पीछे दो मोटरसाइकिल पे चार लड़कों ने आगे मोटरसाइकिल लगा के और कुछ पैसा लूट लिया था। तो उस केस की अहमियत को देखते हुए दिल्ली पुलिस की तमाम टीम्स का कोऑर्डिनेशन और प्रोफेशनल जो वर्क होता है उसका एक बेहतरीन नमूना है, जिसमें क्राइम ब्रांच के साथ नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट और न्यू दिल्ली डिस्ट्रिक्ट जिसकी वारदात है, सबने मिलके अभी 7 लोगों को अरेस्ट किया है और इस केस को सॉल्व किया है। इस केस में ख़ास बात यह है कि सब तरह की जो इन्वेस्टिगेशन होती है, CDR एनालिसिस, IPDR एनालिसिस, CCTV फुटेज, ह्यूमन इंटेलिजेंस और साथ में सभी टीम्स का अलग अलग जगह पे दबिश, चाहे वो हरियाणा है, चाहे दिल्ली है, वेस्टर्न यूपी, इवन ईस्टर्न यूपी तक, सभी टीम्स ने बहुत ही परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ काम करते हुए